बुलडोजर चलता है, एनकाउंटर होता है, अपराधी लंगड़ाते नजर आते हैं तो फर्जी नाम वाले अपना असली नाम भी बताते हैं। पिछले 7 साल से यूपी की पब्लिक इस तरह की तस्वीरें शिद्दत और सुकून से देख रही है। यूपी की देखा देखी कई और राज्यों ने भी ये मॉडल अपना लिया। हिमाचल प्रदेश में भी इन दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नाम खूब लिया जा रहा है। सरकार भले ही कांग्रेस की हो लेकिन कई मंत्रियों को योगी मॉडल पसंद आ रहा है। यकीन न हो तो खुद सुन लीजिए। उत्तर प्रदेश जो हिमाचल पूरे भारतवर्ष का सबसे बड़ा आपका प्रदेश है, उसमें किस तरीके से हमारा एजुकेशन आगे बढ़ रही है, वहाँ की जो बेस्ट प्रैक्टिसेस है उसको हम कैसे प्रदेश में लाए। जनाब रोहित ठाकुर है, हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री हैं। हाल ही में उत्तर प्रदेश का दौरा कर लौटे हैं, यूपी में हुए कामकाज से सीख लेने की बात कही। जो एक अच्छी शिक्षा की जगत में छह कार्य हुए हिमाचल प्रदेश के, उसके बारे में परस्पर वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री योगी जी से चर्चा हुई। वैसे रोहित ठाकुर हिमाचल प्रदेश के पहले मंत्री नहीं हैं जिन्होंने योगी मॉडल की तारीफ की। इससे पहले हिमाचल प्रदेश के एक और मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने भी उत्तर प्रदेश की तरह हिमाचल प्रदेश में भी फास्ट फूड की रेहड़ी चलाने वालों और दुकान मालिकों को आईडी लगाने का ऐलान किया था। वो भी बाकायदा यूपी का जिक्र कर बोले थे। बहुत सी चिंताएं लोगों ने व्यक्त करी थी और इसमें कुछ आशंकाएं भी व्यक्त करी गई थी, तो इसको हमने समझते हुए और जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में भी वहाँ पर भी जो रेड़ी फड़ी वाले हैं खास करके, उनके लिए ये मैंडेटरी किया गया है कि वहाँ पर जो है आपको अपना उसमें नाम और आईडी लगाना होगा, तो हमने भी इसको यहाँ पर पूरी मजबूती से लागू करने का निर्णय किया है। विक्रमादित्य सिंह के इस बयान के बाद विवाद हुआ तो हाईकमान ने तलब किया नसीहत, जिसके बाद विक्रमादित्य ने भी सफाई दी कि उनके बयान को गलत तरीके से पेश किया गया। हिमाचल का यूपी से कोई लेना देना नहीं है। मे बी आई वॉज मिसकोटेड, ओनली एज फार एज यूपी इज कंसर्न। यूपी का अपना सिस्टम है, अपना राज्य है, अपने मुख्यमंत्री है। हमको हिमाचल प्रदेश अपना राज्य है, हिमाचल के अलग मसले हैं। इस तरह 24 घंटे में ही विक्रमादित्य सिंह के सुर बदल गए। नेमप्लेट की व्यवस्था वाले योगी मॉडल की लीक पर चलने की बात करने वाले विक्रमादित्य कहने लगे कि इसका योगी से कोई लेना देना नहीं था। सवाल ये है कि क्या हिमाचल के शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर भी ऐसा ही करेंगे, देखना दिलचस्प होगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।